शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कहना हमारी बात तो सुनो, तुमने जो देखा वो सच नहीं है। हमें तो बड़ा भरोसा है। सारी रात तुम प्रिंस के साथ थी ना, तो बिना नहाए हुए गौरव को टच मत करना, बीमार हो जाएगा गौरव। मैं कहना पर पूरा भरोसा है मैडम। आज मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे गहना हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे गहना, जल्दी दुपट्टा हटाओ, आग बढ़ रही है। कोई कंबल लेके आओ। संभाल के। उर्वशी, क्या कर रही थी तुम बाहर? हमने खुद अपनी आंखों से देखा, तुमने गहना के दुपट्टे में आग लगाई। जब हम सबको समझा रहे हैं तब तुमने सुना नहीं कि एक छोटी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तुम हमारी बेटी होकर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो? मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि मैं आजकल कर क्या रही हूं। एक मिनट पापा, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे कभी प्यार होगा, और देखो ना, मुझे प्यार हो गया, और वो भी गौरव से। पापा, मैं गौरव से शादी करना चाहती हूँ। उर्वशी, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। अब महेंद्र सिंह चौधरी की इकलौती बेटी एक दो कौड़ी के ड्राइवर के साथ शादी करेगी? पानी पी लो थोड़ा। तुम कपड़े बदल लो, हम भी बदल लेते हैं, हमें बड़े साहब के साथ ऑफिस के कुछ काम से जाना है। गौरव, यहाँ बैठो। एक मिनट। हे महादेव, हमारे गौरव की रक्षा करना। आजकल सब कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है और इसीलिए हमारा जी घबरा रहा है। ये पूजा का फूल, ये हम तुम्हें बांध देते हैं, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें हर मुश्किल से और हर बुरी नजर से बचाएगा। गौरव, इसे कभी अपने हाथ से उतारना मत। है ना कि आपकी बेटी को जो भाग गया वो भाग गया, और जो उर्वशी को भाग जाता है उसे वो अपना बनाकर ही दम लेती है। भाग गया है तो उसके साथ खेलो, अपना मन बहलाओ, अफेयर करो, लेकिन शादी करने की कोई जरूरत नहीं है।
एक बात कान खोल कर सुन लो, वो लड़का इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता, समझ गई? उर्वशी, उर्वशी बिटिया, क्या कर रही हो तुम? अफेयर नहीं, शादी करना चाहती हूँ मैं गौरव से। मैं गौरव से प्यार करती हूँ पापा, और अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। ना रहेगी बेटी और ना कुछ भी। उर्वशी, रहो तुम उर्वशी, क्या कर रही हो तुम? हाथ छोड़िए पापा। पहले की गलती से सबक नहीं सीखा तुमने, जो फिर से वो गलती दोहराने जा रही हो, देख लिया उसका परिणाम क्या हुआ था? उस आदमी का नाम मत लीजिए पापा। गलती एक बार होती है, दोबारा नहीं करूंगी। और गौरव एक गलती नहीं है पापा, गौरव का वजूद मैंने बनाया है, उसकी पहचान मुझसे है। गौरव आज जो कुछ भी है ना पापा, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से है। उसकी कमजोरी की डोर मेरे हाथों में है, अब जैसा मैं चाहूंगी ना पापा, उसकी जिंदगी बिल्कुल वैसे ही चलेगी। और गौरव को मैं अपने आप को कभी छोड़ने ही नहीं दूंगी। तो चाहे जो कुछ भी हो जाए पापा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ गौरव से। बस ठीक है, लेकिन जो कुछ भी करना है इलेक्शन हो जाने के बाद। ये बात इस कमरे के बाहर नहीं जानी चाहिए, और इस विषय में और बात नहीं होगी, समझी? अच्छा हुआ आप आ गए। हमारा जो नाती है ना प्रिंस, उसे छोटी माता आई है। आपको एजेंसी ने तो सब कुछ बता ही दिया होगा, बस हमारे नाती के चेहरे पर हम खिलखिलाहट देखना चाहते हैं, इसलिए आपको बुलाया है। मैं जो करूं सबको हंसाता हूं, पूरे परिवार को हंसाऊंगा, और खासकर प्रिंस के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान दिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है, आप आए हो तो घर का माहौल भी थोड़ा सुधर जाएगा, सब खुश रहेंगे। गहना बेटा, जाओ इन्हें प्रिंस के कमरे तक ले जाओ। अभी लाते हैं। आज मैं गौरव को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर ही रहूंगी। हे महादेव, पता नहीं क्यों लेकिन हमें ऐसा एहसास हो रहा है कि कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। आपने हमें ये पहन कर आने के लिए कहा था, देख लीजिए इसकी फिटिंग ठीक है ना?
इतनी सजावट, कोई खास बात है क्या मैडम? हाँ, बहुत खास दिल है। मुझे प्यार हो गया है गौरव, और जिस इंसान से मुझे प्यार हुआ है ना, मैं उसे आज बताने जा रही हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है मैडम। जो भी आपकी जिंदगी में आएगा वो बहुत खुशनसीब होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आएगी तो वो कैसी होगी? चिपकली, खाने में चिपकली देखना बहुत अशुभ होता है। ये खाना तो हमने गौरव के लिए बनाया था, इसका मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था। अब जरूर कोई ना कोई अनर्थ होने वाला है। बिल्कुल, आप जैसे। गौरव यहाँ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ गौरव। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं गौरव। तुम गौना कराने क्यों नहीं आए? गहना के साथ गौना क्यों नहीं कर रहे हो गौरव? देखो गहना ही हमारी बहू है। बोलो ना गौरव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैडम, आपसे शादी नहीं कर सकते हैं। गौरव क्या हुआ? मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते गौरव? बोलो गौरव, मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते? गौरव मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे उसका जवाब दो। मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकते तो मैडम हम। वो क्या गौरव? एक मिनट, क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़की है? हाँ मैडम। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं, हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर बचपन में ही हमारे बाबूजी और अम्मा ने उसे हमारे लिए चुन लिया था, और हम चाहकर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते हैं मैडम। क्या तुम उससे प्यार करते हो? गौरव वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तुम्हारी वाइफ नहीं है, तो फिर क्या? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं मैडम, आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन प्रोफेशनली अपनी निजी जिंदगी में हमने आज तक आपको उस नजरिए से नहीं देखा है। हमारी गर्लफ्रेंड नहीं है, पर बचपन में ही हमारे बाबूजी और अम्मा ने उसे
हमारे लिए चुन लिया था और हम चाहकर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते हैं मैडम। तुम जिस लड़की से प्यार नहीं करते उसके साथ में तुम्हें रहने नहीं दूंगी गौरव, और अपने प्यार की कुर्बानी इतनी आसानी से नहीं दूंगी मैं। अब तुम देखना कि कैसे मैं उस लड़की को तुम्हारे दिमाग से निकाल फेंकूंगी। तुम चाहो या ना चाहो, तुम सिर्फ मेरे हो गौरव, सिर्फ और सिर्फ मेरे, किसी भी हाल में। अब हम लोग बात करेंगे। हाँ देखो, हमारी फोन पे बात नहीं हो पाई थी ना, तो इसलिए मैं सीधा यहाँ चला आया। मुझे लगता है यहाँ भी हमारी बात नहीं हो पाएगी, तो हमारे साथ चलोगे ना? हाँ, गहना दीदी को भी साथ ले ले, वो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, मेरी फेवरेट है। नहीं, अब उनको फिर कभी ले जाएंगे, आज सिर्फ तुम और हम चलते हैं। हाँ। चलें? ओके। चलो चलो बेटा, इधर नहीं, इधर से नहीं, खिड़की से चलते हैं, कोई देख लेगा तो। प्यार करती हूँ गौरव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हमरे दिमाग में कौनो खिचड़ी ना ही पक रही है, वो उर्वशी मैम साहब है ना, उनके दिमाग में खिचड़ी पक रही है ये, हम कहे थे तुम्हें, और अब तो हमरे पास सबूत भी है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ गौरव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं बात गहना को बतानी पड़ेगी। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो मैडम आप ही चाय क्यों लेकर आई हैं? क्यों, मैं तुम्हारे लिए चाय नहीं ला सकती क्या? जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के लिए चाय बनाई, और वो भी अपनी जिंदगी के सबसे खास इंसान के लिए। जिंदगी भर ना मैं एक अकेली मां रही हूँ, लोगों के गलत नजरिए की वजह से मेरी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान नहीं आया गौरव, लेकिन जब से तुम आए हो ना मेरी जिंदगी में, मैं अपने आप को तुमसे प्यार करने से रोक ही नहीं पाई। और फिर बदले में तुमसे क्या मांग रही हूँ गौरव? प्यार के बदले प्यार, बस। क्या चाहती हूँ? मेरे प्यार की थोड़ी सी इज्जत कर लो, मेरी इमोशंस की थोड़ी सी कदर कर लो। मैं भी देखती हूँ गौरव, तुम कब तक मुझसे दूर भागते हो। ये देखो प्रिंस, हम तुम्हारे लिए क्या? प्रिंस? अभी तो प्रिंस यही था, और वो उसका दोस्त। रुको, कहाँ ले जा रहे हो
गाड़ी तेज चलाओ। कदम भी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो मैं ये बम का बटन दबा दूंगा। इस अधूरे प्यार की पूरी कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।